जी अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन वाला पार्ट। तो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है फैक्टराइजेशन आपका सबसे पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू। अब जरा ध्यान से ये करना है एक्चुअली कि एक फॉर्मूले को कितनी तरीके से आप तोड़ मोड़ सकते हो। आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। है? वेरी गुड। तो ये 2ab इधर आ जाएगा। तो इसको अगर हम सही तरह से लिखें तो हमारे पास क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आपका थोड़ा सा और बेवकूफ बना है, आपसे कहने लगे नहीं बताओ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होगा भाई? तो सीधी सी बात है, ए की पावर 4 जो होता है वो ए स्क्वायर का स्क्वायर है और बी की पावर 4 जो है वो बी स्क्वायर का स्क्वायर है। अगेन फॉर्मूला तो यही रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर को अब हमने रिप्लेस कर दिया ए स्क्वायर से, ए को ए स्क्वायर से और बी को बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो। तो एक ही फॉर्मूले को कितनी तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो ये आपको सीखना पड़ेगा। अब इसी के अगर हम कह दें यही है सेम, आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यही चीज है कि डिटेल में जाओ उस पर, उस पर इतनी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन तो बहुत ईजी सी चीज होती है बेटे, मेन कॉन्सेप्ट है कि उसकी बेसिक बेस फाउंडेशन सीख लो। अब यहीं पे हमारे पास क्या है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन यहां से भी अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने लगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने लगे, वो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये बस। तो अब यहां इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि हमने पहले ऊपर कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, और यहां हम कह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। भाई गुलजार ये विंडो खोलो, सारी डस्ट हो गई भाई पूरे कमरे में। दो चार मिनट को ये विंडो खोल दो हमारे इसके सारे के लिए। तो ये हमारे पास है। अब अगर इस फॉर्मूले से भी, अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट में प्लस है तो बाहर माइनस है, ब्रैकेट में माइनस है तो बाहर प्लस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की टर्म्स दी हुई है। हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कहने लगे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होता है। तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर।
गलत कर दिया ना बेटे, ये माइनस आ रहा है बीच में, दोबारा देखो इसे। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटे बीच में माइनस है। जो आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया वो तभी होगा जब दोनों में प्लस हो। आप अगर देखोगे जो मैंने ऊपर लिखा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन वी कैन से ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बट उस दोनों में प्लस है। बट यहां जो मैं बात कर रहा हूँ माइनस की बात, यही चीज जहन में रखनी। तो ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। तो मैं नंबर्स डाल लेता हूँ जिससे कि आप ध्यान भी रखें कि हम कौन से फॉर्मूले पे पहुंचे। तो ये अगर हमारे पास पहला फॉर्मूला है फर्स्ट, और ये हमारे पास अगर सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड, और उस पे बेस पे हम बीच बीच में फॉर्मूले ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम उसको कह रहे हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी, सो देन ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज हो जाएगा, ये याद रखना। तो इसका मतलब इससे क्या आएगा, इससे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इससे ये आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब इज व्हाट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। इस फॉर्मेट में भी होता है ये फॉर्मूला, और अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो फिर ये इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मेट में भी होता है, ए क्यूब ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। यस, वेरी नाइस, शाबाश। ठीक है, ये हमारे पास है। अब अगर हम इसी से फाइंड करें तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस। लेकिन यहां ध्यान रखना, अगर इसमें से हम ए प्लस बी कॉमन ले लें तो एक फॉर्म फैक्टराइजेशन वाली आ जाती है, तो उसको याद रखना। फैक्टराइजेशन वाली क्या आ जाती है, इन ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये है एक्सपेंडेड फैक्टराइज फॉर्म। इसी तरह से हमारे पास क्या है, हमारे पास है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, ये होता है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ एक प्लस आ गया। अब अगर यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब लेंगे तो ये आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस आएगा थ्री ए बी ए माइनस बी। और अगर इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ये फैक्टराइज फॉर्म, और इस फैक्टराइज फॉर्म को हम यूज करेंगे, चाहे ये हमारे पास माइनस वाला हो और चाहे ये हमारे पास प्लस वाला। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं ध्यान रखें। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर
plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c। अब इसमें इस फॉर्मूले में जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इसमें से a या b या c या एक से ज्यादा टर्म, दो टर्म या मे भी पॉसिबल तीनों टर्म माइनस में हो जाएं तो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये था a b c स्क्वायर और मैं आपसे कहूं a प्लस b लेकिन c माइनस में और c जो है हमारे पास वो माइनस में, तो क्या क्या इससे फर्क पड़ेगा। तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो स्क्वायर्स वाली टर्म है वो तो यही रहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन जो 2ab वाली टर्म्स हैं मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ 2ab 2bc एंड 2ca। तो जहां जहां c आया है वहां वहां टर्म्स माइनस हो जाएंगे जहां c है। तो फाइनली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये आपको कुछ ऐसे नजर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये कुछ ऐसे नजर आए। तो इसका ध्यान रखना है। लास्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है फिर हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू यस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जीरो जीरो कैसे भाई, जीरो कैसे कहा आपने बेटे, ये तो फॉर्मूला है बेटे, वैल्यू थोड़ा ही निकाल रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये प्लस होता है। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए अगर, तब आपके पास होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू 3abc। ये फॉर्मूलाज हैं, इस पे सीधे सीधे आप क्वेश्चन देखें, काफी क्वेश्चन पहले अगर उस यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं दूसरे सेंटर्स में डिप्लोमा में आए हुए, अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है सब बच्चों को, तो जो मैंने आपसे कहा था ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं एक एक करके, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ क्या यूज हो रहा है और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो वैसे वैसे रिवाइज करते रहेंगे।
देखो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. फर्स्ट टू क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री अगर आप चेक करेंगे, इफ एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, वेयर एक्स इज नॉट जीरो वाई इज नॉट जीरो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज. कौन बच्चा बताएगा कि हम कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर थ्री कौन बच्चा इसको कर सकता है? बहुत सिंपल सा है लेकिन क्योंकि उसने लैंग्वेज को घुमाया है तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ. टू थाउजेंड सेवेंटीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन. जीरो जीरो और कोई बच्चा आंसर जीरो सर जीरो. गुड वेरी गुड. हमारे पास क्या है? ठीक इमरान से पूछ लो बता. हाँ ठीक है सुबह को आप आओ तो सारे कमरे जो हैं सफाई अपने हिसाब से किया आके लगे कि हाँ भाई मैडम ने किया हुआ. नमस्ते जी. तो हमारे पास क्या है, आप अगर यहाँ देखोगे दो चीजें ध्यान रखो जब भी आप किसी भी चैप्टर को किसी भी सब्जेक्ट पर दो चीजों को अपने दिमाग में डिवाइड किया. एक वो जो मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई. जैसे ही आपने कहा कि मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए तो सोचो या तो मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू हो या फिर ये सोचो कि भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है. तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है सर दो फॉर्म में होता है, एक्स माइनस वाई. मैंने अभी आपसे जो कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस एक्स वाई. माइनस में प्लस होता है, प्लस में माइनस होता है. या फिर मेरे पास ये होना चाहिए या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू थी अगर आपको याद हो, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई. तो ये दो ऑप्शन है. ज्यादातर ऑप्शंस जो हमारे रहेंगे वो हमारे ऑप्शंस बेटे हमेशा फैक्टर वाले ही रहेंगे, जो फैक्टर वाला क्वेश्चन. तो ये तो मेरे पास होना चाहिए तब मैं आंसर दूं. अब देखो मुझे दिया क्या है, तो मेरे पास जो है वो है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. तो इससे मैं कर क्या सकता हूँ, इससे मैं एलसीएम ले सकता हूँ. ये यहाँ चला जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ चला जाएगा, इधर माइनस वन है, इस एक्स वाई को इधर लेके जाऊंगा तो एक्स वाई माइनस वन से मल्टीप्लाई हो गए माइनस एक्स वाई आ जाएगा. तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस में. तो ये माइनस इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जीरो आएगा. तो मुझे ये दिया हुआ. अब हमें चाहिए क्या था, तो जो राइट साइड है उसमें नीचे वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाले से मेरा काम चल जाए. अब अगर ऊपर वाले से मेरा काम चलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू जो है वो जीरो आ गई. तो अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो एक्स माइनस वाई इंटू जीरो इज टोटल जीरो. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास हमें चाहिए क्या और हमारे पास है क्या. ठीक है सर, समझ में आया? हाँ भाई बात समझ में आई? यस सर समझ में आई. चलो एक क्वेश्चन और देखिए. देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, if a is equals to 6 minus root 3 5 then value of a square minus 1 upon a square is,
खैर ये इरेशनल नंबर का है, यहाँ इस फॉर्मूले में भी रख सकते हो, वैसे तो ये रियल नंबर से है। कर दो जल्दी से, ये तो इजी है, रियल नंबर से है वैसे तो, लेकिन यहाँ भी यूज कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला भी यूज हो रहा है और रैशनलाइजेशन भी यूज हो रहा है। -24√35 -24√35, सी ऑप्शन। गुड, देखो यहाँ क्या करना है, असल में क्या है, हमारे पास जो ए गिवन है, जो हमारे पास ए गिवन है, वो है 6 -√35। अगेन वही चीज है, गिवन क्या है और फाइन क्या करना है, और फाइन करना है ए स्क्वायर माइनस 1/a2, ये मैं फाइन। तो अगर हमें ए स्क्वायर माइनस 1/a2 फाइन करना है, तो हम 6 -√35 का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल करें, फिर उसका स्क्वायर करें, यानी कि 1/a क्या होगा, 1/a होगा 1/6 -√35, तो हम इसका भी स्क्वायर नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें याद रखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 1/a2, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, अगर हम इससे काम चलाए तो। खैर 1/a यहाँ पे क्या है, 1/a अगर आप देखेंगे, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, 6 -√35 है, तो 6 + √35 से मल्टीप्लाई। अब अगर आप नीचे देखोगे तो क्या आएगा, 6 -√35 और 6 + √35, ये आपके लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आप नीचे सोच सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है जब भी हम रैशनलाइज करते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, नीचे जो आएगा आपके पास टर्म 6 + √35, तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा और 35 का स्क्वायर 35 आएगा, तो वो 1 आएगा, तो इसका मतलब ऊपर कुछ हमें चाहिए। अब हमारे पास मेन पार्ट यही हो गया कि ए जो हमारा है, अगर हम बात करें, ए जो हमारा है वो है 6 -√35, और 1/a हमारा जो है वो है 6 + √35। तो अगर हम a प्लस 1/a ले रहे हैं तो वो ये आएगा, और अगर माइनस ले रहे हैं a माइनस 1/a, तो इनको माइनस कर दीजिए, 6 -√35 -6 -√35, तो ये a माइनस 1/a आएगा। तो इससे क्या हो रहा है, अगर आप चेक करेंगे, रूट 35 से रूट 35 कैंसिल हो रहा है और 6 से 6 कैंसिल, तो 6 + 6 हो गया आपका 12। और इधर से आएगा -√35, तो 12 2 = 24√35, ये मेरे पास। यहां अगर आपने गलती से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया, तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और उसी से ये ऊपर आया हुआ है 2 6 + √35 एंड सो। तो इसलिए अपने आप को ध्यान रखना है कि आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो कर क्या रहे? समझ में आया है, दोबारा बताएं आपको।
सर केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा जी ठीक है, ठीक है सर, ये क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको एक बार कर लीजिए, फॉर्मूले याद कर लेना, मेन पार्ट ये, कल इंशाल्लाह फिर दूसरा टेंथ वाला पोर्शन स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।